हेलो एवरीवन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये गुड न्यूज़ है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट के रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से 7 नोटिफिकेशन का जो है सिंगल एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। और इस एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इसमें 1500 प्लस जो हैं वैकेंसीज थी। इसके बाद इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के बाद इसकी जो है प्रोविज़नल लिस्ट निकाली गई, और प्रोविज़नल लिस्ट निकालने के बाद वापस से जो है इसमें जो रिवाइज जो है प्रोविज़नल लिस्ट निकाली गई, तो उसके बेसिस के ऊपर इसमें स्टे लगा था। आज जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल श्रीनगर की तरफ से जो है एक वहाँ पे अपडेट मैं आपको बताना चाहूँगा, जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट केस के रिलेटेड। तो कैट के द्वारा जी आज वर्डिक जो है इशू की गई है। सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें 1540 वैकेंसीज हैं जूनियर असिस्टेंट की, जिसको एडवर्टाइज किया गया था सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। और सिलेक्शन जो क्राइटेरिया था, जिसमें 20 पॉइंट्स आप सभी जानते हैं कि स्किल्स के थे, स्किल टेस्ट के थे, टाइपिंग टेस्ट के, और 80 पॉइंट जो थे वो रिटन टेस्ट के थे। इसके साथ साथ जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस था वो था इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग मेथड जो था उसको यूज़ किया गया फाइनल रिजल्ट के लिए। एप्लीकेंट्स इसके साथ वो सेटिस्फाइड नहीं थे और इस सिलेक्शन प्रोसेस से, और उन्होंने केस फाइल किया और चैलेंज किया यूज़ ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को। उसके बाद उन्होंने इस दे आर्ग्यूड दैट दिस मेथड वाज अनसाइंटिफिक। उनके द्वारा बोला गया कि ये मेथड जो है अनसाइंटिफिक है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, और हैड अ स्कोप फॉर मैनिपुलेशन। ठीक है, उसके बाद जो एप्लीकेंट थे उन्होंने इसके साथ ये भी क्लेम किया कि सिलेक्शन जो प्रोसेस है इसको चेंज किया गया सडनली जस्ट ए डे बिफोर द रिटन एग्जामिनेशन विच कुड नॉट चैलेंज। अब कोर्ट की तरफ से क्या जो डिसीजन आया, कोर्ट फाउंड दैट द रेस्पोंडेंट हैड इन्फॉर्म द एप्लीकेंट अबाउट द नॉर्मलाइजेशन मेथड थ्रू नोटिस डेटेड 27 अक्टूबर 2021 एंड 19 जनवरी 2022। एडिशनली इट वॉज ऑल्सो मैंशन इन द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द रिटन टेस्ट वुड बी नॉर्मलाइज्ड इफ़ नेसेसरी। ठीक है, उसके साथ ये इसमें बताया गया कि जो कोर्ट के द्वारा ये पाया गया है टू डिवॉइड ऑफ मेरिट एंड डिसमिस इसको, केस को उन्होंने डिसमिस कर दिया है, और एंटरिम जो ऑर्डर है वो वेकेटेड का था, और रिस्पॉन्डेंट वेर अलाउड टू प्रोसीड विद द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, और जो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कंटिन्यू करने के लिए कहा है, और अपॉइंटमेंट जो होगी कैंडिडेट्स की एज पर द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर एट द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो फाइनली ये कोर्ट की तरफ से जो इसका आप फाइनल जो है जजमेंट दे दी गई है। अब इसमें जितने भी जूनियर असिस्टेंट कैंडिडेट्स हैं, जहाँ पे आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी बहुत जल्द, और कैट में जो इसका इसके पीछे जो रीज़न था वो मैंने आपको बताया, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से बच्चे खुश नहीं थे। उसके बाद उन्होंने कोर्ट में अप्रोच की, कैट में अप्रोच की, और अप्रोच के बाद आज जो इसकी फाइनल वर्डिक्ट आ गई है। तो वेरी सून आपको देखने को मिलेगा 1540 जो वैकेंसीज थी जेके एसएसबी की तरफ से जूनियर असिस्टेंट की डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की, तो रिजल्ट इसका बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही इसके रिलेटेड जेके एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई अपडेट आएगी एक दो दिन के बाद या 3-4 दिन के बाद, तो वीडियो के माध्यम से मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा। तो आज की इंपॉर्टेंट अपडेट यही है, जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट केस की अपडेट। कैट के द्वारा जो है, कैट बेंच के द्वारा ये डिसमिस किया गया है प्लेयर चैलेंजिंग सिलेक्शन लिस्ट। तो अब आप होप कर सकते हैं जल्दी सिलेक्शन लिस्ट निकलने वाली है, और जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, BLW की, फाइनेंस कोड असिस्टेंट की, और डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम जो है JKSSB की तरफ से एडवांस नोटिस निकाला गया है, आप उन एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए बिल्कुल एज़ पर शेड्यूल जो है आपकी एग्ज़ाम JKSSB जो है कंडक्ट करने वाली है। तो ये आज की इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप सभी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखा होगा। तो वीडियो थोड़ा सा मैं लेट बना रहा हूँ, तो जे आज की इंपॉर्टेंट अपडेट है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, गुड न्यूज़ है जूनियर असिस्टेंट कैंडिडेट्स के लिए। तो जे था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।